हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है राणा विशाल और आप देख रहे हैं से हाय। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कैसे डोमेन खरीद बिक्री किया जाता है और आज के लोग ज़्यादातर ये कर रहे हैं। और मेरा एक्सपीरियंस करीब 2 से 3 सप्ताह पहले से लेकर के मैंने इस रिलेटेड काफ़ी सोच रखा था कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो फाइनली मैंने कुछ इस पर रिसर्च करके और कुछ अपना एक्सपीरियंस करके करीब करीब मैं आज के डेट में मैं 2 डोमेन बेच चुका हूँ और उसे रिन्यूअल जो हुआ है उससे जो प्रॉफिटेबल लगा उससे मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि हाँ ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है और सबसे इजी बिजनेस है। शुरू करने से पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कैसे इससे क्या क्या है इसके बारे में। तो इस पहले मैं इसके बारे में बता दूँ तो ये डोमेन एक्सपायरी है क्या। तो डोमेन एक्सपायरी एक ऐसा है जिससे कि आप कोई वेबसाइट को डोमेन खरीदते हैं तो जिस डोमेन प्रोवाइडर से खरीदते हैं तो उसके कुछ टाइम पीरियड के लिए हम उसे पे करते हैं और उससे उतने टाइम पीरियड के अंदर में हम काम करते हैं। जब टाइम एक्सपायर होता है तो फिर से मुझे उस डोमेन को रीन्यू करवाना रहता है। और ज़्यादातर लोग यानी मोस्ट ऑफ पीपल इससे भूल जाते हैं या रिन्यू करवाना भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता। जैसे मोस्ट ऑफ ब्लॉगर अच्छे से उस डोमेन पे काम करते हैं लेकिन लास्ट में फिर वो उस डोमेन को उस वेबसाइट को इम्पोर्टेंट नहीं समझते और फिर उनकी उनकी कंपेयर में उस डोमेन को इम्पोर्टेंट नहीं समझते और फाइनली वो सोचते हैं कि छोड़ो रहने दो। या बहुत ऐसे होते हैं कि काम करते हैं फिर लास्ट में भूल जाते हैं रिन्यू करवाना। तो वो यही है, इसे फिर से खरीद के फिर से बेचना उसकी एक्सपायरी टाइम आ जाता है तो उसे रीन्यू करवाने के लिए उसे कुछ दिन का टाइम मोहलत दिया जाता है। तो करीब करीब वो 30 दिन का टाइम देता है। तो 30 दिन के अंदर में अगर उस डोमेन का ओनर अगर उसे रीन्यू नहीं करवाता है तो फिर उसे ऑप्शन पे चला जाता है, मतलब कि अब वो पब्लिक उसे बीट करेंगे और फिर उसे खरीदते हैं। ठीक है, तो जब पब्लिक खरीदते हैं जिसका 7 दिन के करीब करीब तक ये बिडिंग चलता है कि 7 दिन के करीब में अगर जो जिसका बिडिंग हाई रहता है वो उस डोमेन को खरीदता है उस प्रोवाइडर के थ्रू। तो अब जब वो खरीदता है तो फिर अब उससे फ़ायदा क्या है। तो चलिए मैं अब बात कर रहा हूँ कि उससे फ़ायदा क्या होता है, लोग उसे डोमेन से खरीदते क्यों हैं एक्सपायर डोमेन को। तो मैं आपको बात करूँ कि एक्सपायर डोमेन को वो तभी खरीदते हैं जब वो बहुत कुछ उसमें वैल्यू है जो कि इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि क्या क्या देखना चाहिए और वो हो कैसे जाता है। जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि उस पर काम उस वेबसाइट पर काम किए हुए होते हैं या बहुत सारे ऐसा साइट होता है जिस पर ऑलरेडी बैकलिंक बहुत अच्छे से तैयार रहता है। तो बस अब जैसे कि आप मान लो कि उदाहरण के तौर पे मैं बात करूँ कि अगर किसी तरह की वेबसाइट खरीदा जो ऑलरेडी सीएमपी आवाज़ बिजनेस न्यूज़ जी न्यूज़ इस तरह के वेबसाइट्स का बैकलिंक उससे तैयार है। बैकलिंक क्या होता है वो आप अगर जो जिनको अगर तुम बिल्कुल नया है तो बैकलिंक नहीं पता है तो उनको मैं आगे एसईओ में बताऊंगा कि बैकलिंक क्या होता है। बैकलिंक एक होता है कि जिससे जो मतलब कि एक बैकलिंक ऐसा होता है कि दूसरे बड़े वेबसाइट के लिंक तैयार यानी वहाँ से ट्रैफिक उठ करके आते हैं। तो फिलहाल मैं बैकलिंक का भी बात नहीं करता। तो यानी कि वो काफ़ी एसईओ का सबसे बड़ा रोल होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज का सबसे बड़ा रोल होता है वो बैकलिंक। तो कुछ ऐसे ब्लॉगर होते हैं कुछ ऐसे वेबसाइट डोमेन होता है जो कि जिसपे ऑलरेडी काम किया हुआ होता है और फिर किसी कारण बस वो एक्सपायर हो जाता है तो उसे बिडिंग पे लगता है। जिस दिन वो बिडिंग पे आए अगर उसने अपने लकड़ी खरीद लिया जिससे बिडिंग ऑलरेडी अच्छा है तो आपको करना क्या है, सिंपली आप उस पर कुछ आर्टिकल भी दोगे या उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल दोगे। जैसे कोई वेबसाइट सीएमपी आवाज़ से रिलेटेड है, सीएमपी आवाज़ जी न्यूज जी बिजनेस इस तरह से कोई डोमेन से बैकलिंक मिल रहा है उस डोमेन पे तो आप उस डोमेन पे करोगे क्या, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड यानी मनी मेकिंग से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल दोगे लोगों के बीच में धरले से जाएगा यानी कि गूगल पे बहुत हाई रैंकिंग मिलेगी यानी कि गूगल उस आर्टिकल को ट्रस्टेड समझेगा। क्यों, क्योंकि बहुत बड़े वेबसाइट से उससे बैकलिंक मिल रहा है। तो आपको करना क्या होगा, नए वेबसाइट के कंपेयर में तो ये काफ़ी ईजी हो गए। तो ये होता है बैकलिंक का एक। और दूसरा मैं बात करूँ जैसे कि ऑलरेडी उससे बैकलिंक मिल रहे हैं तो उस पर हमें करना क्या होगा, सिर्फ ब्लॉगिंग से रिलेटेड करना है और वो अपने आप उस आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट एक्सपेक्ट हो जाते हैं ऑलरेडी वो गूगल रैंक में काफ़ी हाई इंपॉर्टेंस मिल जाता है। और मैं तीसरा अगर बात करूँ प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क पीबीएन, मतलब कि बहुत से ऐसे ब्लॉगर होते हैं जो कि उस पर काम कर रहे हैं ब्लॉग उस डोमेन पे काफ़ी काम करते हैं, बैकलिंक तैयार करते हैं और सब चीज़ करने के मतलब कि डीएपी ये सब चीज़ अच्छा वैल्यू देने के बाद वो खुद बेचते हैं। तो
उस वैसे भी डोमेन खरीदा जाता है और फिर उसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप उसे सेल करो कि इतना बैकिंग है आप तो आपने तो इतना में खरीदा और आप बेच सकते हो एज आप रिक्वायर आप बिल्डिंग जितने पे आते हैं। तो इस तरह से भी आप किसी पर्सनल ब्लॉगर से पर्सनल एसईओ एक्सपर्ट ज़्यादातर ये लोग ये इस तरह के डोमेन बना करके बेचते हैं, इस तरह के डोमेन पे काम करके अच्छा उससे वैल्यू तैयार करके फिर बेचते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये खरीदने से पहले यानी कि आप खरीद बिक्री डोमेन खरीद बिक्री करने से पहले आप कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे कि कुछ पॉइंट हैं तो हम आपसे बात करने जा रहे हैं जैसे हाँ तो अब बात करने जा रहे हैं कैसे जब हम कोई डोमेन को खरीदते हैं तो क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या हमें क्या रिजल्ट हमें सर्च करना चाहिए जो कि हमारे हमें लगे कि हाँ हमने सही डोमेन चूज किया है। तो पहला है डी ए और पी ए। तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जहाँ से डिटेल मिलता है जैसे वहाँ से आपको डी ए और पी एस फोटो मिल जाता है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट आपको डोमेन खरीदते समय क्या ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले उसको डी ए और पी ए वैल्यू चेक करना चाहिए। और हम वही डी ए वही डोमेन खरीदेंगे जिसका डी ए और पी ए वैल्यू करीब करीब 25 से ज़्यादा हो, राइट 25+। डी ए वैल्यू हम कहाँ कहाँ से देख सकते हैं चेक कर सकते हैं वो है कौन से एक्सपायर्ड डोमेन पीआर ड्रॉप और इस तरह से बहुत सारे साइट्स जहाँ से डी ए पी ए वैल्यू मिल सकता है। तो पी ए है क्या, पी ए है पेज अथॉरिटी, पी ए मतलब पेज अथॉरिटी, डी ए मतलब डोमेन अथॉरिटी। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपके डोमेन पे काफी रोल निभाता है। monse.com पे यानी कि ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे काफी दूसरे वेबसाइट से दूसरे एसईओ टूल से इंटीग्रेट है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चेक करने को मिलेगा उस वेबसाइट का रैंक गूगल रैंक कितना चल रहा है। आप यहाँ से आप ये भी पता कर सकते हो गूगल कीवर्ड पोजीशन चेक कर सकते हो। और लेकिन हम इसमें बात कर रहे हैं इस वीडियो के में बात कर रहे हैं कि एक्सपायरी डोमेन से रिलेटेड। तो आप सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सपायरी डोमेन से यहाँ पे आप जा करके आप पूरे एक्सपायर्ड डोमेन के डिटेल्स आप यहां से बाखूबी अच्छे से देख सकते हो, किसी कीवर्ड से रिलेटेड आप सर्च कर सकते हो, फिर उसके बिडिंग क्या चल रही है ये सारे पता कर सकते हो। तो फिलहाल यहां पे आप देख रहे हैं डीपीए वैल्यू, ये जो डीए वैल्यू जो मैं बात कर रहा था वो डीए वैल्यू यही है। तो ये डीए वैल्यू हमें वही खरीदना है जो 25 से 25 से प्लस हो जो हमें हमारे मायने रखेगा। तो देखो यहाँ पे आपको एक मजेस्टिक टूल से ट्रस्टेड भी फ्लो भी दिखा रहा है मजेस्टिक, ये सब सारे वेबसाइट टूल्स हैं जैसे मजेस्टिक हो गया एलेक्सा हो गया ये सब जो है ये टूल है जिसका रैंकिंग बता रहा है। और ये कितना पुराना है ये करीब 8 साल पुराना है ये devinsoncrop.com जो मैं आपसे बोल रहा था वो है expired.com ये काफ़ी 2013 से ये काफ़ी पुराना है। यहाँ पे आप किसी भी सर्च करके डोमेन को आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डीपी वैल्यू पी ए वैल्यू यहाँ पे भी आप देख चेक कर सकते हो ये अवेलेबल है क्या है हा? तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड हो गया, उसके डिटेल भी देखो बी एल यहाँ मजेस्टिक का यहाँ बता रहा है कि बैकलिंक्स कहाँ से हैं क्या हैं। आप वैसे एक मजेस्टिक आप बार बार देख रहे हो तो ये टूल को बारे में भी आप देखिए, ये सर्च इंजन ऑटोमाइज मतलब ये बैकलिंक चेक करके बताता है कि कितना बैकलिंक है। तो ये यहीं से आपको दिख जाएगा कि बैकलिंक से जैसे कि यहीं पे आपको दिख जा रहा है डी ए वैल्यू पी ए वैल्यू 25 से ज़्यादा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा था मजेस्टिक पे ये कितना बैकलिंक्स दे रखा है, ये होम कुकिंग से रिलेटेड है मतलब कि उसके कैटेगरी में आ रहा है और इसका बैकलिंक कितना है ये सभी इसी में डिटेल आपको मिल जा रहे हैं। 8 साल पुराना है ना? ये 86 IP एड्रेस से ये इसका बैकलिंक मिल रहा है, कीवर्ड इसमें कुछ ऐसा खास नहीं मिल रहा लेकिन वे विजिट 1000 के अप्रॉक्स में ये विजिट हो रहा है और मोस्टली ये यूएसए में 40% कंट्री वाइज में चल रहा है और ये रैंक करीब 9.82 मिलियन के अप्रॉक्स में कर रहा है ग्लोबली अगर देखें जाए तो। इस तरह से हम देखते हैं वेबसाइट, फिर उसके बाद खरीदना नहीं खरीदना ये हमारे स्ट्रेटजी पर डिपेंड। और अब बात कर रहे हैं फिर
फिर उसके बाद चेक करेंगे ये डी ए वैल्यू चेक करने के बाद हम अब उसे चेक करेंगे कि गूगल सर्च इंजन में वो डोमेन बैन तो नहीं है। हम फिर गूगल सर्च इंजन पे ये मेरा डोमेन बैन तो नहीं है ये चेक करने के बाद हम उसमें ये चेक करने के बाद अगर फिर भी लगे कि नहीं ये डोमेन किसी भी हालत में मुझे होना चाहिए या किसी तरह का नहीं ये अच्छा है ये बैन है लेकिन फिर भी मैं इसे खरीदूंगा ये अच्छा डोमेन नेम के साथ है ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड या मेरे मतलब ये मेरे पर्पज से रिलेटेड है तो आप इसे फिर गूगल रिकॉन्सेंट्रेशन रिक्वेस्ट डाल करके इसे अनबैन करवा सकते हो। गूगल को आपको ये करवाना सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि आप पहले उसे एक अप्रूवल ले लो जब आप किसी डोमेन गूगल सर्च इंजन में बैन है तो। फिर उसके बाद हम दूसरा पॉइंट आते हैं गूगल एडसेंस से, यानी कि हम हर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है हर कोई वेबसाइट बना रहा है क्यों क्योंकि उस पर ऐड चले और कुछ अर्निंग हो। तो अगर आपका कोई एडसेंस से ही बैन है एडसेंस उस डोमेन पे एडसेंस बैन कर रखा है तो फिर वो आपके लिए यूजलेस होता है फिर आपको वो खरीदना इम्पोर्टेंट रोल है तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। और वो आप कहाँ से चेक करोगे चेक एडसेंस सैंडबॉक्स चेकर एक है गूगल ऐप टूल है जहाँ से आप अपने डोमेन का यूआरएल उस पर पेस्ट करो और सर्च करो अगर सारा डोमेन चल जाता है तो यू आर सेफ आप सुरक्षित हैं अगर नहीं चलता तो आप वो डोमेन आपके लिए यूजलेस है तो फिर वो एक्सपायर डोमेन को लोग नहीं खरीदते हैं या आप अगर खरीदते कुछ उस पर काम करना चाहते हो या ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो फिर मेरा सजेशन है कि आप बिल्कुल ना खरीदो क्यों क्योंकि हम अर्निंग के लिए ही आ रहे हैं भले उस पर डीपीए वैल्यू कितना भी अच्छा हो हैं कितना भी अच्छा तरीके से उसका बैकलिंक बना हुआ हो तो कोई काम नहीं आएगा जब हमें उससे अर्निंग नहीं आएगा ट्रैफिक आ रहे हैं लेकिन अर्निंग नहीं हो रहा तो वो हमारे लिए यूजलेस ही है। फिर चौथा है आरसीप चेक करना मतलब कि वो जो डोमेन हम खरीद रहे हैं वो पहले कैसा लुक था क्या उस वेबसाइट किससे रिलेटेड था ये जानने के लिए आपको आरसीप से मतलब कि आप किसी पुराने जब कोई डोमेन खरीदे हो तो वो पुराना कैसा लुक था उसके बारे में तो जैसे कि अभी fact-about.com अगर मैं करता हूँ तो ये एक मेरा पुराना वेबसाइट था जो कि अभी एक्सपायर हो चुका है और ऑक्शन में मैं इसे बेच चुका हूँ तो ये डोमेन का पूरा स्क्रीन बताएगा कि पहले ये कैसा दिखता था कि उसके लुक क्या हैं ये पूरे स्नैप रखता है पूरे पहले इसे डेट वाइज में खुलेगा और जब ये डेट वाइज में खुलेगा तो वो अपने रिकॉर्ड रखा है कि जब कब कब अपने वेबसाइट का लुक बदला था तो कैसा दिखता था तो इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हाँ मुझे भी ये देखिए ये 2017 का रिकॉर्ड रखा है 2017 में कितने बार रिकॉर्ड रखा है ये देखो 20 तारीख का उसने एक फोटो लिया है एक वन स्नैप फिर 21 तारीख को और फिर 24 का स्नैप रखा है 13 को स्नैप रखा है 21 को रखा है इस तरह से आप खोल के आप देख सकते हो। तो अभी मैं खोलूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा इसे आप खुद यहाँ पे जा करके आप इसे ROI कीजिए आप इस वेबसाइट के बारे में समझिए rsip.com वैसे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। पचमा है आप चेक करेंगे चाइनीज बैकलिंक्स आप ऐसे जगह से चेक करेंगे चाइनीज बैकलिंक्स HERS मैं इसका प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ HERS लिंक भी नीचे दे दिया तो यहाँ आप जाकर के आप अपनी URL पोस्ट करेंगे फिर वहाँ से आप सर्च करेंगे किसी तरह का कोई टेस्ट एडवांस है तो आप इसे ट्रायल में 7 बार ट्राई करके आप देख सकते हो इसमें भी काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा बैकलिंक्स कहाँ से हैं कैसे हैं यानी कि यहाँ से आपको ये भी मिल जाएगा कि किस तरह के किस लैंग्वेज में बैकलिंक्स मिल रहा है तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी तरह के एडिशनल टेक्स्ट या ग्राफिक सिंबल के साथ या मैक्सिमम चाइनीज लैंग्वेज का जहाँ फालतू का सिंबल फालतू का लैंग्वेज अदर लैंग्वेज में अगर किसी तरह से ज़्यादा बैकलिंक मिल रहा है तो भी हमारे लिए यूजलेस ही है। तो ये आप फ्री 7 दिन के लिए आप यूज कर सकते हो अगर आप प्रोफेशनली यूजर हो तो मेरा तो मानना ही रहेगा कि आप इसे यूज कर सकते हो क्योंकि और भी मैंने एक्सपर्ट का मैं अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहा हूँ मैं 2-3 डोमेन के साथ हर एक ट्रायल में यूज कर ले रहा हूँ अभी। फिर वहां से आप जाकर के चेक करेंगे कि किसी तरह का टेक्स्ट उस बैकलिंक्स पे तो नहीं आ रहा या किसी अदर लैंग्वेज में किसी तरह का फालतू बैकलिंक्स तो नहीं है क्योंकि वो एक तरह से गूगल में वो स्पैम
राइट, वो भी आपको कोई काम आने वाला नहीं। और वो कहाँ से चेक करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन दे दिया, डिस्क्रिप्शन में चलिए चला जाएगा, यहाँ इस साइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं कैसा बैकलिंक अदर लैंग्वेज में, वो हमारे लिए यूजलेस है, ऐसे ऐसे बैकलिंक से आप अवॉइड करें। अब बात आती है कि हम एक अच्छे क्वालिटी कहाँ कहाँ से अब कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे एक्सपायरी कहाँ से हम ये सारी डिटेल लेकर के कहाँ से खरीद बिक्री कर सकते हैं, कि क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं। तो पहला मेरा प्रीफर देता हूँ डॉमकॉप। डॉमकॉप एक ऐसा है, ये डॉमकॉप एक ऐसा है जहाँ से बहुत सारे वेबसाइट से ये ऑलरेडी इंटीग्रेट है, जहाँ से आपको पूरा डिटेल मिल जाता है। डॉमकॉप एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आपको वो ऑलरेडी इंटीग्रेट है, वो ऑलरेडी इंटीग्रेट है, जैसे कि ये सारे सेमरस, सिमिलर वेब, मोज, मैजेस्टिक SEO, यानी कि ये सारे बड़े बड़े SEO टूल्स वेबसाइट हैं जिससे वो इंटीग्रेटेड है, जहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको यहीं पे टॉप कॉप पे ही मिल जाएगा, जहाँ पे आप पूरे ये सारी चीज़ें आप डिटेल हाई क्वालिटी डोमेन आप इकट्ठा कर सकते हो। फिर दूसरा मैं बात करता हूँ मॉन्से। मॉन्से एक ऐसा वेबसाइट है, ये मॉन्से इतना पुराना वेबसाइट है, 2013 से करीब करीब ये सर्विस अच्छे एक अच्छा सर्विस मोस्ट ऑफ द मैंने सुना है कि शायद ये पहला है जो कि SEO टूल्स की क्वालिटी डिटेल देता है, मतलब कि क्वालिटी आपको बताता है, ठीक है। और आधी रात में जैसे ही एक्सपायरी डेट कोई डोमेन उनके नोटिफिकेशन आता है, तो उनसे फिर 12 बजे ही वो सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सा कितने क्वालिटी का कौन सा डोमेन एक्सपायर किया और फिर वो खरीदते। तो ये मॉन्से काफ़ी क्वालिटी लोग, काफ़ी ब्लॉगर, पुराने ब्लॉगर तो खास करके इसे जिससे ट्रस्टेबल हैं और इसे यूज करते हैं। तो एक बार आप इसे मॉन्से वेबसाइट पे आप जाके एक्सपायरी डोमेन के बारे में आप एक बार अच्छे से देख सकते हो। फिर मैं तीसरा बात कर रहा हूँ expiring.com, मतलब इस इंडस्ट्री में सबसे। और चौथा जो मैं बात कर रहा था ये है डोमोकॉप। डोमोकॉप में मतलब कि यहाँ पे आप बाई कर सकते हो एक्सपायरी डोमेन को, आप यहाँ से आप बाई कर सकते हो। और यहाँ पे ये देखो सारे सारे यहाँ पे SEO टूल्स हैं, वेब टूल्स जहाँ से आप इसके बारे में जो डोमेन खरीद रहे हो उसके बारे में एक बार आप ब्राउज करके पूरी डिटेल को आप समझ सकते हो। तो मैं पार्टिकुलरली हर एक चीज़ का मैं बनाने की कोशिश करूँगा, नो डाउट, लेकिन इसमें बस मैं अवेयर किया हूँ कि कैसे आप डोमेन का एक बाय सेल करके बिजनेस कर सकते हैं, एक गेटअप है इसमें, बाकी आप जितने बताए बस इतना ही कुछ है और कुछ है नहीं। बस इसी को आप समझ लो, इसी साइड से आप रूबरू हो लो, पूरे फंक्शन आप समझ लो, ये सारा काम आप कर सकते हो। किसी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक, हिडन ट्रिक, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है सो यही है। हाँ, तो अब कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप ये अगर जानना है, तो फिर अब मैं हर एक वेबसाइट से, ये जितनी वेबसाइट मैं बात कर रहा हूँ हर एक वेबसाइट पे एक बार मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये monse.com जिसे यहाँ भी बता दिया था, ये यहाँ से आप पूरे आप डोमेन का पूरा ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप गूगल का कीवर्ड, जो जिस कीवर्ड पे आप कर रहे हो और कौन डोमेन है वो उसके पोजीशन कितना बन रहा है ये चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो गूगल, ये एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में बात कर लिया था, अब मैं इसमें गूगल कीवर्ड पोजीशन चेकर के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर मेरा वेबसाइट है ranavishal.com तो इसमें मैं सर्च कर सकता हूँ कि राना विशाल पे कितना रैंक करता है, और डोमेन मैं अपना दे रहा हूँ ranavishal.com, ये मेरा डोमेन है। और इस कीवर्ड पे मैं ग्लोबली गूगल पे सर्च कर रहा हूँ कि गूगल पे कितना रैंक मिलता है। तो ये इस तरह के ये SEO टूल्स हैं, वेब टूल्स हैं, तो इसे आप यूज करके इसे देखो, ये गूगल पे 27वां पोजिशन पे मेरे को दे रहा है अभी इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो ऐसे हैं ये इस वेबसाइट पे, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। और अब चौथा जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है expireddomain.net। यहाँ पे आप expired domain के बारे में सर्च कर सकते हो, deleted domain कितना है, उसके लिस्ट डोमेन लिस्ट निकाल सकते हो जो अभी एक्सपायर हुआ है। तो इस तरह से expired domain ये डेट वाइज में आ जा रहा है, देखो 3 फरवरी 9 को इतने सारे डोमेन, ये जैसे जैसे डोमेन एक्सपायर हो रहे हैं दूसरे प्रोवाइडर पे
डोमेन प्रोवाइडर पे, वो यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ पे से आप आते के साथ आप चेक कर सकते हो और खरीद सकते हो, बिड लगा सकते हो और यहाँ से आप खरीद सकते हो। जैसे कि अगर मैं मुझे इसी को खरीदना है, इस पे मैं क्लिक किया, ये जो प्रोवाइडर है उस डोमेन का जो प्रोवाइडर है वहां पे मुझे लेके गया और इसे बाय कर सकते हो। हमें .com लेना है और यहां से आप सीधे जाकर के बाय और क्लिक कर सकते हो। ये सिंपल सा ऐसे ही प्रोसेस है, तो यहां से आप ऐसे एक्सपायर डोमेन को खरीद सकते हो। तो फिलहाल ये मैं नहीं बात कर रहा। और दूसरी चीज, अब मैं बात कर रहा हूँ सीडो। सीडो एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आप अपने डोमेन को पार करके, आप सीडो एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे लॉगिन आप करके आप यहाँ से आप बाय कर सकते हैं डोमेन, यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना डोमेन सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए देखो यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग डोमेन नाउ, आप एक बार इस वेबसाइट को आप जाओ, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। आप पूरी फॉर्मेलिटी यहाँ पूरा करो और आपका यहाँ से डोमेन बिड मिलेगा, वो भी आपको दिखेगा। ऑप्शन वाइज हैं, एक बार में क्लिक करके सेल करना, बाय करना, सारे ऑप्शन हैं, वो एक बार आप यहाँ पे जाओगे तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरी चीज है पार्किंग डोमेन, ये फैसिलिटी काफी, ये मेरा तो पर्सनली फेवरेट है जो मैंने अभी जो काम कर रहा हूँ ये बाय सेल डोमेन बाय सेल का, तो ये सीडो से ही मैं कर रहा हूँ। और ये सीडो बाय सेल डोमेन है, यहाँ पे पार्किंग है, अगर डोमेन को पार्क लगाते हो तो इस पे जो एडवर्टाइज चलेंगे आपकी वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट डोमेन, जिस डोमेन को आप यहाँ पे पार्क डोमेन करोगे उस वेबसाइट पे ये सीडो का एक ऐड चलेगा, उस ऐड पे जितने क्लिक होंगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। तो ये भी है, यहाँ से आप एफिलिएट भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आवर सर्विसेज में देख लो व्हाट आवर ऑफर, आवर ऑफर में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहीं पे सीधे होम पे आ जाओ, आवर सर्विसेज में यहाँ पे आप देखो ये अफिलिएट प्रोग्राम है, इससे ये सीडो का अफिलिएट प्रोग्राम में जाकर के, यानी कि सीडो का जितने ट्राउमा करते हैं उसपे भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो ये चीज से फैमिलर आप होना होगा, एक बार ब्राउज करके आप देख सकते हो। तो सीडो से ये हो गया, तो ऐसा ही कुछ था। और आने वाले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वेबसाइट के बारे में आपसे रूबरू कराऊंगा, और हो सके तो इन सारी वेबसाइट के मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो वीडियो बना करके मैं अपलोड करूंगा। तो आगे के लिए, आप आगे जानने के लिए और आगे इसी तरह के वीडियो से जानकारी और इसी तरह के स्किल अपडेट करने के लिए, इसी तरह के वीडियो से आप अपना स्किल अपडेट रखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर मिलते हैं आने वाले वीडियो में, धन्यवाद।